नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको सलाम। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, या जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं वो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर भी इक्वली प्रोबेबल है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉइंट्स, डायरेक्शंस एंड प्लेन्स इन अ क्रिस्टल लैटिस। अब सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ कि इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्यों हम क्रिस्टल के पॉइंट्स, क्रिस्टल के प्लेन्स, क्रिस्टल के डायरेक्शंस जो हैं उनको लोकेट करना चाहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मुझे आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, मान लीजिए कि मैं कहूँ कि जी ये राम नाम का बंदा है। अब ये राम नाम का बंदा किस टाइप का है, क्या इसका बिहेवियर है, मुझे अगर इससे कोई काम करवाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्या इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, कहाँ ये रहता है, क्या ये मेरा काम कर सकता है या नहीं कर सकता। सो एग्जैक्टली सेम अगर हमें अपनी मटेरियल साइंस के अंदर मटेरियल्स को यूज़ करना है कि भैया मैंने तो चेयर बनानी है तो मुझे ये प्लास्टिक चाहिए, मैंने एक फ्लाई ओवर बनाना है तो मुझे कॉन्क्रीट और ईंटें, ब्रिक्स वगैरह, सीमेंट वगैरह ये चाहिए, या मैंने वो एक ब्रिज बनाना है ट्रेन के लिए, आई नीड आयरन, तो कहाँ पे कौन सा मटेरियल चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। अब वो मटेरियल वहाँ यूटिलाइज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, इसके लिए मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। और मटेरियल के अंदर की अगर हम बात करें तो कौन सा आइटम कहाँ छुपा बैठा है, छुपे बैठे हो तुम कहाँ, ये हमें पता होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी वॉन्ट टू स्टडी क्रिस्टल पॉइंट्स, डायरेक्शंस एंड प्लेन्स। और अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, देन इंडिसेस ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट्स, डायरेक्शंस एंड प्लेन्स कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ लैटिस कॉन्स्टेंट्स ऑफ यूनिट सेल। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के पिछले लेक्चर्स के अंदर स्टडी किया कि मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के अंदर सपोज दिस इज ओरिजिन, तो इतना वाला एक मैं कहूँ कि सेल के अंदर का पोर्शन है, इसको हम ए, इस वाले को हम बी और इस वाले को हम सी से डिनोट करते हैं। हमने ट्रांसलेशनल वैक्टर्स को बड़ी डिटेल में पढ़ा, और जो ये मैं कहूँ कि बेसिक या फंडामेंटल प्रिमिटिव्स हैं किसी भी लैटिस के अंदर, यूनिट सेल के अंदर, वो ए बी सी हैं, या मैं कहूँ कि यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करना, यूनिट पैरामीटर्स हैं ये। जस्ट लाइक आप नॉर्मल मैकेनिक्स के अंदर जब आई कैप, जे कैप, के कैप की बात करते हैं, आई कैप इज यूनिट वैक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वैक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड के कैप इज यूनिट वैक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप साथ में लगाते ही आपको ऑटोमेटिकली अपने आप आपके दिमाग में घंटियां बजने लग जाती हैं, जे कैप लिखा है, हाँ भैया ये तो वाई एक्सिस है, आई कैप लिखा है, हाँ भैया ये तो एक्स एक्सिस है। एग्जैक्टली सेम क्रिस्टलोग्राफी के अंदर ए बी सी से हम डिनोट करते आए हैं, ए को हम लेकर चलते हैं अपने एक्स एक्सिस के अलोंग, बी को वाई के अलोंग और जेड को सी के अलोंग। इनको हम लैटिस पैरामीटर्स, लैटिस कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं, फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वैक्टर्स भी बोलते हैं, बेसिक वैक्टर्स भी बोलते हैं। सो फॉर पॉइंट्स एंड डायरेक्शंस यू कैन कंसीडर द इंडिसेस टू बी कोफिशिएंट्स ऑफ दीज लैटिस कॉन्स्टेंट्स। सो इट इज एसेंशियल टू लेबल दीज लैटिस कॉन्स्टेंट्स टू आइडेंटिफाई पॉइंट्स एंड प्लेन्स। अब देखिए क्या है ये सारा जो मैंने तामझाम इतना बोला कि क्या है, कि मान लीजिए कि मेरे पास सपोज़ ये मैंने क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे ऐसे लैटिस पॉइंट्स पड़े हुए हैं, मैंने क्या किया वहाँ पर किसी भी एक जगह पर अपना ओरिजिन मान लिया। जैसे हमने ट्रांसलेशन वैक्टर्स के अंदर बात की थी कि मैंने किसी एक लैटिस पॉइंट के साथ कॉइंसाइड होता हुआ अपना क्या मान लिया, एक्स एक्सिस, और इधर क्या अज्यूम कर लिया है, वाई एक्सिस। तो उसके बाद हमने क्या किया कि मुझे किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट को लोकेट करना है। अब मुझे पता है कि जो इतना डिस्टेंस है बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स इन अ लैटिस, इसको मैंने ए से डिनोट किया था, और ये वाला जो है इतना यूनिट वाला, दिस इज बी। अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, आई नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। तो इस कोऑर्डिनेट से मैंने इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ए एंड ए मुझे कितना ट्रेवल करना पड़ा, 2a along this axis, और इसी तरीके से b and b मुझे इधर कितना ट्रेवल करना पड़ा, b 2b। तो ये जो 2a and 2b से मैंने इसको रिप्रेजेंट करवा लिया, ये तो है कोऑर्डिनेट्स, ऐसे आप मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट करवाते आए हैं। लेकिन यहाँ पर अब हमें देखना है कि ये a and b, ये तो अंडरस्टूड ही है कि ये तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। a को दो बार x एक्सिस पे चलाया गया और दो बार y एक्सिस पे, मतलब अगर मैं इस पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश करूँ, इस पॉइंट को क्रिस्टलोग्राफी में लिखने की कोशिश करूं, आई विल राइट इट 2 2 बिना किसी कॉमे के, बिना किसी ब्रैकेट के।
So I must say, labeling points in a unit cell follows the same procedure for listing points in any Cartesian coordinate system. मतलब कि जिस तरीके से हमने Cartesian coordinate system में हम बात करते हैं कि x axis है, हमने perpendicular draw किया, हमने y axis पे perpendicular draw किया, intercepts ले लिए, exactly same हम यहाँ पर करते हैं किसी भी point को locate करने के लिए. So indices used to refer a point R. अब जनरली जो इंडेसेस यूज किए जाते हैं किसी भी पॉइंट को रेफर करने के लिए, जैसे ये 2-2 है, ये तो टू डायमेंशनल हो गया. अगर मैं कहूँ कि 3 डायमेंशनल होता, यहाँ पर सपोज 3C भी होता, तो 2-2-3, ये जो है, अब इनको एक जनरल नोशन तो हमें देनी ही पड़ेगी, एक जनरल सिंबल तो हमें देना ही पड़ेगा. जैसे हम मैकेनिक्स में या किसी भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स में मास को एम से डिनोट करवाते हैं, वेलोसिटी को वी से डिनोट करवाते हैं, तो ऐसे एक मैं कहूँ कि डेजिग्नेशन तो इनको देनी ही पड़ेगी. तो वो डेजिग्नेशन जनरली ऑल द बुक्स राइट देम क्यू आर एस. बहुत सारी बुक्स इनको क्यू आर एस से डिनोट करवाती हैं. सो दे आर रिटन, आई एम अगेन सेइंग, क्यू आर एस आर द इंडिसेस रेफर टू अ पॉइंट, या रेफरिंग टू अ पॉइंट इन अ क्रिस्टल, एंड दे आर रिटन विदाउट कॉमास, विदाउट पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स. आपको कोई ब्रैकेट नहीं लगानी है, आपको कोई कॉमा नहीं लगाना है, आपको एज सच इन तीनों को लिख देना है. आपने अपनी सॉलिड स्टेट फिजिक्स या सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की बुक्स में बहुत अलग अलग नोशंस पढ़ी होंगी आपने. जैसे ये मैंने लिख दिया, आपने पढ़ा होगा 1/2, 1/2, 1/2. कभी कभी तो ये बिल्कुल ऐसे ही लिखे रहते हैं, बिना किसी ब्रैकेट के, बिना किसी कॉमे के, ऐसे ही बेचारे एक दूसरे के अंदर घुसते रहते हैं, इस तरीके से लिखे होते हैं. सम टाइम्स 1, 1, 1 ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी होती है, सम टाइम्स 1, 1, 1 ये ऐसे सिंपल ब्रैकेट लगी होती है, सम टाइम्स 1, 1, 1 और ये कर्ली ब्रैकेट लगी होती है, सम टाइम्स 1, 1, 1 ये ट्रायंगुलर ब्रैकेट लगी होती है. आप कहेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट मैटर्स. मैं आज के लेक्चर में आपको समझाऊंगी कि कौन सी ब्रैकेट का सिंबल कौन सा है. जब हमारी ये सीक्वेंस पूरी हो जाएगी, मिलर इंडेसेस, वेस इंडेसेस, प्लेन्स, पॉइंट्स, डायरेक्शन सबको लोकेट करने वाली, चाहे एक लेक्चर में हो जाए, चाहे दो में, चाहे तीन में, तब उस इन द वेरी एंड ऑफ दीज लेक्चर्स यू विल बी एबल टू नो कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज होता है. पहला अभी कॉन्क्रीट वे में जम जाना चाहिए आपके दिमाग में बिल्कुल बर्फ की तरह, कि फर्स्ट वाला जब कोई भी ब्रैकेट ना लगी हो, कोई भी कॉमा ना लगा हो, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट. अब अगर आप रूल्स की बात करें कि रूल्स क्या होंगे भैया किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के, या पॉइंट दे दिया उसके आपको इंडिसेस लिखने हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लोकेट सम ओरिजिन. तो पहला स्टेप हमेशा क्या रहेगा, आई मे से द रूल्स टू लोकेट ए पॉइंट इन ए क्रिस्टालोग्राफिक स्टडी, तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा. मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको नोट करते रहिएगा, बिकॉज मैं बोर्ड पर लिखूंगी, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. तो देखिए, रूल्स की अगर मैं बात करूँ, तो रूल्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लोकेट सम ओरिजिन. आप किसी भी पॉइंट पे क्रिस्टल के अंदर एक ओरिजिन मान लीजिए. अब आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आप लैटिस कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. रिप्रेजेंट लैटिस कॉन्स्टेंट्स, मैं शॉर्टकट में यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग लाइन को कंप्लीट लिख लीजिए, रिप्रेजेंट लैटिस कॉन्स्टेंट्स. जैसे अभी मैंने साथ में यहाँ पर आपको ये ड्रॉ करके दिखाया था कि मेरे पास एक लैटिस है, उस लैटिस में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, मैंने किसी एक पॉइंट को ओरिजिन माना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और अगर ये 3D में जा रहा है तो यहाँ पर जेड एक्सिस, तीनों को मैंने ड्रॉ कर दिया. अब मुझे क्या करना है, लैटिस कॉन्स्टेंट्स शो करवाने हैं, मीन्स दिस वन इज ए, दिस वन इज बी और दिस वन इज सी, ये मुझे रिप्रेजेंट करवाना है. सो सेकेंड पॉइंट इज यू विल से रिप्रेजेंट लैटिस कॉन्स्टेंट, एंड थर्ड वन विल बी द काउंट द नंबर ऑफ लैटिस कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट यू हैव क्रॉस्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. यानी कि अब आपको उन लैटिस कॉन्स्टेंट्स को काउंट करना है कि इस फलाने फलाने पॉइंट पर पहुंचने के लिए मुझे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितने लैटिस कॉन्स्टेंट्स को क्रॉस करना पड़ा, वाई के अलॉन्ग कितनों को और जेड के अलॉन्ग कितनों का. दैट्स इट, बन गया जी, बन गया, हमारा काम बन गया. सो राइट दीज पॉइंट्स क्यू आर एंड एस विदाउट एनी कॉमा, विदाउट एनी ब्रैकेट. डोंट काउंट दैम टू रिड्यूस इंटीजर्स, मतलब आपको उनको इंटीजर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज दैम इन देयर रैशनल फॉर्म. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमने पॉइंट्स लोकेट कर लिए हैं.
तो ये तो सारी कहानी थी कि आपको किस तरीके से पॉइंट्स को लोकेट करना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो क्यूबिक लैटिस है, LNACL का लैटिस है, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि ये पॉइंट 1/2, 1/2, 1/2 लोकेशन में है, जैसे कि BCC स्ट्रक्चर हो गई, या ये वाला पॉइंट 1/1/1 लोकेशन पे है। तो वो सारी कहानी इन्हीं रूल्स के ही आसपास घूमती है। तो देखिए अब है क्या, मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास लैटिस कौन सा है, BCC लैटिस है। BCC लैटिस के अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि लोकेट कीजिए पॉइंट्स कौन कौन से, 1/2, 1/2, 1/2, ये मैंने एक क्यूबिक सेल बना ली है। इस पॉइंट को मैंने सपोज ओरिजिन कंसीडर किया है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी, एंड इन क्यूबिक लैटिस यू नो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तीनों ही बेचारे ए ए ए हैं, या मैं कहूँ कि 1/1/1 है, क्योंकि हम इनको ए बी यूनिट वैक्टर्स हैं, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम 1 मान सकते हैं। मैंने यहाँ तक 1 माना, यहाँ तक 1 माना, यहाँ तक 1 माना, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब मैं आपको कहूँ कि देखिए BCC स्ट्रक्चर में 1/2, 1/2, 1/2, एक तो पॉइंट ये है, एक 1/1/1, ये दीज आर नॉट सेम पॉइंट्स, माइंड इट, 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/1/1 आर नॉट द सेम पॉइंट्स, क्योंकि आप लोगों ने जनरली मिलर इंडिसेस पढ़े होंगे, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि एक फैमिली होती है, वहाँ पर ये दोनों सेम फैमिली है, यहाँ पर सेम नहीं है, बिकॉज दीज आर पॉइंट्स। अब है क्या कि कोऑर्डिनेशन नंबर्स आपको लेने हो, किसी भी पॉइंट के आपको लेने हो, सपोज़ मैं मान लूँ कि ये वाला मेरा फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड हो गया, दिस वन इज़ थर्ड, दिस वन इज़ फोर्थ, दिस वन इज़ फिफ्थ, दिस वन इज़ सिक्स, दिस वन इज़ सेवन्थ, दिस वन इज़ एट, और जो ये बॉडी के सेंटर में है, दिस वन इज़ 9, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग BCC लैटिस। नाउ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ पॉइंट नंबर 3, ये जो पॉइंट्स है इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए अब क्या करना है। मैंने आपको क्या कहा था, इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है, ये 1 पे, वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, 1 पे, जेड को तो काट ही नहीं रहा ना ये, क्योंकि ये देखिए अगर इस तरीके से हमारे पास ये क्यूब है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये चारों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं, और ये अगर एक्स एक्सिस है तो दिस वन, ये सारी क्या हो जाएंगी, एक्स के पैरेलल हो जाएंगी, और ये अगर वाई है, दिस वन, ये वाई के पैरेलल हो जाएंगी, और ये अगर जेड है तो ये ऐसे वाली सारी जेड के पैरेलल हो जाएंगी। अब जो यहाँ पर पॉइंट है, ये एक्स और वाई को कट कर रहा है, बट इट इज़ नॉट कटिंग जेड, तो जेड को ये क्या लिखेंगे हम, 0। तो ये पॉइंट जो हो गया 3 पॉइंट, इट इज़ 1/1/0। एग्जैक्टली सेम मुझे ये 9th पॉइंट की बात करनी है। अब 9th पॉइंट के देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब ये इस प्लेन के अंदर नहीं है, आप इसको थोड़ा 3D में इमेजिन कीजिए। सपोज एक रूम में आप हैं, रूम के सेंटर में एक पॉइंट है, रूम के सेंटर में एक बॉल लटका दी है सपोज, तो x को, y को, z को, तीनों को वो कट करेगा कहाँ पर, 1/2, 1/2, 1/2। अब मुझे कोई ब्रैकेट नहीं लगानी है, कुछ नहीं लगाना है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 3 आर 1/1/0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 9 आर 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो ये कहानी थी पॉइंट्स को लोकेट करने की। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि पॉइंट्स को किस तरीके से किसी भी क्रिस्टल के अंदर लोकेट किया जाता है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डायरेक्शंस। बिल्कुल जैसे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, बिल्कुल इसी तरीके से हमें अब डायरेक्शंस, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो क्रिस्टल्स हैं दोज आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, मींस दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो मेरे लिए डायरेक्शन को स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन बदलते ही कहानी बदल जाएगी, कहानी में एक मोड आ जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, तो डायरेक्शंस को स्टडी करना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लोकेट डायरेक्शंस इन अ क्रिस्टल। और डायरेक्शंस को जनरली जैसे वहाँ पर QRS से हम पॉइंट डिनोट करते थे, इसको UVW से डिनोट किया जाता है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट लगाई जाती है फॉर अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बट अगर फैमिली ऑफ डायरेक्शंस है, देन UVW यहाँ पर आ जाती है ट्रायंगुलर ब्रैकेट। मैंने आपको कहा था मैं आपको सारी ब्रैकेट्स के मीनिंग समझाऊंगी। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आपके पास 3 डिजिट्स लिखे हुए हैं तो उनको हम कहेंगे कि ये भैया डायरेक्शन है, और अगर ट्रायंगुलर में है तो भैया ये फैमिली ऑफ डायरेक्शंस है। अब लोकेट कैसे करें, अगेन वही स्टेप्स हैं। नंबर 1, आपको क्या करना है, यू विल चूज 1 पॉइंट एज ओरिजिन। मैं आपको सिखाऊंगी भी कि ओरिजिन को कैसे चूज करना है। उसके बाद नंबर 2, फ्रॉम ओरिजिन मूव योर पेन और पेंसिल
फ्रॉम ओरिजिन, उसको आप मूवमेंट करवानी स्टार्ट कर दीजिए और आप देखिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितने यूज क्रॉस किए, वाई के अलोंग कितने, वी एंड जेड के अलोंग कितने डब्ल्यूज क्रॉस किए गए, एंड काउंट काउंट नंबर ऑफ यूज अलोंग एक्स एक्सिस, एग्जाम्पल के साथ आपको ज्यादा समझ आएगा, नंबर ऑफ वीज अलोंग वाई एक्सिस एंड नंबर ऑफ W's along Z axis. अब आपने ये numbers count कर लिए हैं और यही जो number होंगे इनको आप label कर दीजिए उस point पे और एक line draw कर दीजिए और जिस point पर आप पहुंचेंगे label that point, जहां पर आप पहुंचे आपने pencil को move करवाया और आपने cross किए इतने points, आपने U को cross किया, आपने Y को cross किया, आपने Z को cross किया. Suppose you are moving U A in x direction, you are moving VB in y direction, you are moving WC in z direction, ABC लिखना था मुझे यहाँ पे, number of A's, number of B's, number of C's, इनको मैंने कहा U, इनको मैंने कहा V और इनको मैंने कहा W, means this, ये जो है कि count किए और मैं कहूँ कि इतनी बार हुआ, तो मेरे पास जो पूरा का पूरा वो एक line हो जाएगी, वो line क्या हो जाएगी, U A. यहां पर जो मैं कहूं कि मैंने कितना मूवमेंट किया है, मैंने वी बी एंड यहां पर मैंने कितनी मूवमेंट करी डब्ल्यू सी, तो ये जो यू वी डब्ल्यू हो गए, लेबल दैट पॉइंट बाय यू वी डब्ल्यू कि आपने इतनी बार इसको क्रॉस किया एंड एनक्लोज इट इनटू ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड दैट इज डन. और आपके पास क्या आ गई है, एक लाइन, एक डायरेक्शन आ गई है विद एन एरो हेड, उस पॉइंट पर एक आप ओरिजिन से एरो लगा दीजिए और आपके पास डायरेक्शन आ गई. मुझे पता है आपको एग्जाम्पल के साथ ये समझ आएगा, ऐसे समझ आने वाला नहीं है, तो चलिए अब हम लेते हैं इसकी एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल दिए बिना लॉजिक्स के तो किसी को भी कोई भी बात समझ नहीं आती है. वैसे भी हम फिजिक्स की अदालत में हैं, यहाँ पर प्रूफ चलते हैं, यहाँ पर गवाह चलते हैं, आई विटनेसेस चलते हैं, थ्योरीज नहीं चलती. तो देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए 1 1 1, देखिए जैसे ही मैंने इस ब्रैकेट में इसको इनक्लोज किया, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक डायरेक्शन है. अब इस डायरेक्शन को मुझे मार्क करना है, तो देखिए मैं क्या करूँगी आपको इजीली समझाने के लिए, मैंने एक बार क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर कर ली है, उस क्यूबिक यूनिट सेल को इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया. आपको पता है दिस इज अ क्यूब, किसी भी एक पॉइंट को हमें क्या मानना है, ओरिजिन. अब ओरिजिन कौन सा मानना है, जब नेगेटिविटी आएगी तब हम थोड़ा स्ट्रेस देंगे, अदरवाइज आप किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान सकते हैं. और आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो विद इन क्रिस्टल रहे, विद इन यूनिट सेल रहे, यूनिट सेल से बाहर ना जाए, इसलिए हम पॉइंट ओरिजिन जो है अंदर, बिल्कुल अंदर घुसोड़ कर उसको लेने की कोशिश करेंगे. तो ये पॉइंट मुझे बिल्कुल अंदर बल्क में नजर आ रहा है, इसको मैंने अपना ओरिजिन माना, ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई हुआ, ये जेड हुआ, तो एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, लव हुआ नहीं, एक्स वाई एंड जेड. अब हमें मार्क करना है 1 1 1, तो देखिए आपको क्या करना है, बड़ा आसान तरीका है, 1 एक्स एक्सिस के अलोंग 1, आप एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यहां से ओरिजिन से अपना मूवमेंट शुरू कीजिए. मैंने कहा था मूव योर पेन और पेंसिल, यहां से पेन को मूव कीजिए और एक्स एक्सिस तक 1 तक चलिए, चले गए हम 1 तक, उसके बाद वाई, y के along भी 1 तक जाइए, ये y है, फिर z, z axis इस साइड है ना, तो इस साइड यहां पर पहुंचने के बाद मुझे z की तरफ 1 जाना है, this one, तो ये आ गया मेरे पास वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, 1 1 1. अब ये जो पॉइंट है ये 1, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देती हूँ और मेरे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई है एंड दिस लाइन इज 1 1 1 डायरेक्शन. जब ऐसे लिखा रहता है तो ये डायरेक्शन होती है ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे निकल के ये यहां से जाएगी. अब अगर मैं आपको कहूं कि 0 1 1 आप डायरेक्शन, ये तरीका था सारा वीएस का. इसके बाद क्या था कि मिलर भाई साहब भी आए, उन्होंने भी अपनी कहानी जो थी वो दोहराई, क्योंकि हमें जो बात करनी है, हमें बात करनी है 1817 ईयर से शुरू होके 1839 तक. 1817 के अंदर जर्मन मिनरोलॉजिस्ट थे क्रिश्चियन सैमुअल वीएस. ये जो वीएस महाशय थे, इन्होंने सबसे पहले हमें कहा कि भैया ऐसे डायरेक्शंस लोकेट कीजिए, ऐसे पॉइंट्स लोकेट कीजिए, ऐसे प्लेन्स लोकेट कीजिए. और ये लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस के नेम से भी जाना जाता है कि जो वैल्यू जैसे आ गई आप उसको वैसे ही लिख दीजिए. लेकिन जो मेल और प्रॉब्लम आती है जब बहुत ज़्यादा लंबे लंबे डिस्टेंसेज आपको मेजर करने होते हैं, आपका प्लेन बड़ा दूर चला जाता है, उसके इंटरसेप्ट्स इनफाइनाइट हो जाते हैं, आपकी डायरेक्शन बड़ी दूर चली जाती है, तब वीएस इंडिसेस में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं. तो उसका सॉल्यूशन देने के लिए 1839 में मैं कहूं कि पिक्चर में आए ब्रिटिश मिनरोलॉजिस्ट विलियम हैलोज मिलर, जिनको मिलर नेम से ज्यादा जाना जाता है.
तो ये जो अभी सारी कहानी, यहां तक तो वीएस और मिलर की कहानी सेम थी, लेकिन मिलर ने ये कहा कि जो डायरेक्शंस हैं, कि जैसे ये एरो है, ये यहां पर आए, ये आगे निकल जाए, उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे, फर्क क्या पड़ता है, डायरेक्शन इज सेम। तो यहां तक आपने मार्क किया, यहां तक किया, यहां तक किया, यहां तक किया, ये सारी एक फैमिली होनी चाहिए। तो उन्होंने ये बात की। तो उसको समझाने के लिए मैं एक दूसरी एग्जाम्पल लेने जा रही हूँ। मान लीजिए कि आपको एक डायरेक्शन ड्रॉ करनी है एंड दैट डायरेक्शन इज 0 1 1। मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम में पूछ लिया कि आप 0 1 1 डायरेक्शन को मार्क कीजिए। तो देखिए, फिर से वही क्यूबिक क्रिस्टल लिया मैंने, क्यूबिक लैटिस कंसीडर किया, एक ओरिजन माना, आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस पॉइंट एज ओरिजन, एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस एंड ये हो गया जेड एक्सिस। 0 1 1 मतलब एक्स एक्सिस पे तो जीरो ही है, एक्स के अलोंग तो मुझे चलना ही नहीं है, वाई के अलोंग मुझे 1 चलना है और जेड के अलोंग 1 चलना है, एक्स के अलोंग मुझे जाना नहीं है, वाई के अलोंग 1। जर्नी यहां से शुरू करूंगी, वाई के अलोंग 1, ये क्यूब यूनिट यू क्यूब है, यहां पर मैं आ गई हूँ, फिर जेड के अलोंग 1, जेड तो इधर है तो मुझे इधर आना पड़ेगा, यहां पर, यहां मैं पहुंच गई हूँ एट दिस पॉइंट। मुझे अब इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करवा देना है विद एन एरो हेड। सो दिस डायरेक्शन इज बेसिकली 0 1 1, ये वो डायरेक्शन है, ऐसे बाहर की तरफ, फेस के अंदर से होके ऐसे बाहर की तरफ, दिस इज 0 1 1। अब अगर आपको पूछ लिया जाए 0 1 0, मैं फिर से क्यूब आपकी ड्राइंग है थोड़ी कहूँ कि ठीक होनी चाहिए, 0 1 0। मान लीजिए आपको इस यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आप सीखने जा रहे हैं, एक कहानी के अंदर बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, वीएस और मिलर के अंदर लड़ाई होने वाली है, एक डिफरेंस इन देयर कॉन्सेप्ट्स आप समझने वाले हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन ओ। अब 0 1 0, ना तो मुझे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट करनी है और ना ही मुझे जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट करनी है, मुझे मूवमेंट करनी है अलॉन्ग वाई एक्सिस ओनली। सो 0 से y एक्सिस पे 1 तक, यहां तक मैं पहुंच गई हूँ, ना तो मुझे y जाना ना z जाना, और ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट मेरा क्या पॉइंट है, वो पॉइंट है जिसको मैंने ओरिजिन से मिलाना है। सो दिस वन, दिस इज माई 0 1 0 डायरेक्शन, ऐसे बड़ी ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया। अब अगर आपको पूछ लिया जाता है, यहाँ पर मिलर क्या कहते हैं कि आपको पूछ लिया जाता है 0 2 0, तो अब बताइए क्या होगा। 0 2 0 के लिए मतलब आपको वाई के अलोंग 2 चलना है, एरो तो यही रहेगा ना, लाइन तो यही रहेगी, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और डायरेक्शन के अंदर मैटर ही नहीं करता कि लेंथ इतनी ज्यादा है कम है, जब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है तो जाना है, इतना जाना है, इधर जाना है, मुझे तो डायरेक्शन बतानी है, अमाउंट नहीं बतानी है कि कितना जाना है। सो अकॉर्डिंग टू मिलर ये और ये दोनों सेम है, सो दिस इज आवर फैमिली। अब आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, क्या मुझे इसको यूनिट सेल को 2 टाइम्स करना पड़ेगा? बड़ा आसान है, मिलर कहते हैं कि आप इस 2 को बाहर ले लीजिए, 2 बाहर आ गया मतलब थ्रू आउट आपने इसको या तो 2 से डिवाइड करवा दिया, क्योंकि ये 2 है, मुझे यहाँ पे 1, ये 1s या 0s चाहिए ताकि मैं यूनिट सेल के अंदर अपना काम कर सकूँ। तो मैंने इस 2 को बाहर निकाला तो ये क्या बना, 0 बाय 2, 2 बाय 2, 0 बाय 2, तो 2 0 1 0 आ गया वही कि नहीं, एंड दिस इज दिस डायरेक्शन। आप इसको डायरेक्शन को आगे ऐसे बढ़ा दीजिए, ये वही डायरेक्शन है। सो अकॉर्डिंग टू मिलर 0 2 0, 0 1 0, 0 3 0, 0 4, 0 0 5, 0 ये वन, ये एक ही फैमिली है, और इस फैमिली को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगी, 0 1 0। अगर मैंने ये ब्रैकेट्स लगा दी हैं, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द होल फैमिली। और अगर मैंने 0 2 0 ये लगाई है तो मैं एक एक डायरेक्शन उसी की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल सेट और फैमिली। तो यहां तक डायरेक्शंस की कहानी आपको समझ आई होगी। अब अगर मैं आपको कहूं कि समटाइम्स क्या होता है, नेगेटिव एक्सेस हमें यूज करने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको ओरिजिन को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको समझाऊंगी कि नेगेटिव के केस में हमें किस तरीके से चलना पड़ेगा। कहते हैं ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब यहाँ टेढ़ापन आया है तो हम भी थोड़े टेढ़े हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि मैं आपको कहूँ कि 2 बार 1 1, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कीजिए, दिस बार मीन्स नेगेटिव, मतलब ये जो 2 है ये नेगेटिव है। इसके नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि मुझे एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, -2। और मैंने आपको कहा था कि 2 3 4 ऐसे डिजिट्स आ जाएं तो आप उसको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि हमें अंदर 1 1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रहे, अंदर 0 रहे, 1 रहे, 1/2 रहे, 1/3 रहे, मैनेज कर लेंगे, 1 से क्रॉस ना हो, यूनिट यूनिट मतलब 1 उसके अंदर अंदर रहे, यूनिट सेल के अंदर अंदर, तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं एक क्यूब ड्रॉ कर लेती हूँ, अच्छा सा, छोटा सा, क्यूट सा, प्यारा सा,
देख क्यूब है छोटा सा, छोटा सा टॉपिक, तो देखिए एक्स एक्सिस, अभी मैंने ओरिजिन नहीं लेना है क्योंकि मुझे आपको ओरिजिन समझाना है कि कहाँ लेना है, तो ये यूनिट सेल है। अब 2 बार 1 1, मैंने आपको कहा था सबसे पहले इस 2 को निकालिए, 2 निकल गया बाहर, तो 1 बार 1 बाय 2 1 बाय 2, मुझे समझ आ रही है कहानी अब कि ये दोनों सेम है, एक ही फैमिली है। एक्स एक्सिस पे मुझे -1 चलना है, मतलब मेरी यूनिट सेल के अंदर एक्स एक्सिस का नेगेटिव होना चाहिए, और अगर मैं ओरिजिन यहाँ मानती हूँ तो एक्स एक्सिस इधर तो पॉजिटिव है, नेगेटिव इस साइड आएगा और ये नेगेटिव मेरी यूनिट सेल से बाहर निकल जाएगा। इसके लिए अगर मैं ओरिजिन यहाँ कंसीडर कर लूँ तो ये डायरेक्शन हो जाएगी एक्स एक्सिस पॉजिटिव में और ये हो जाएगा एक्स में नेगेटिव और ये -1 हो जाएगा, तो मेरा काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ कंसीडर किया एक्स एक्सिस, यहाँ लिया वाई एंड यहाँ लिया जेड। अब देखिए -1, मुझे एक्स में चलना है -1, मैं यहाँ चली वाई में -1/2, ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम हाफ तक चले, उसके बाद हमें चलना है जेड में हाफ तक, जेड इस डायरेक्शन में, यहाँ से हम इधर चलना शुरू होंगे तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे मिड तक, ये पॉइंट हम आ गए हैं। देखिए -1 एक्स में, वाई में हाफ और जेड में भी हाफ, पॉजिटिव जेड में, और ये पॉइंट हमने लोकेट कर दिया। अब ओरिजिन से इस पॉइंट तक लाइन लगा दी है एंड दिस लाइन इज बेसिकली 2 बार 1 1 एंड दैट्स इट। तो इस तरीके से हम डायरेक्शंस जो हैं वो किसी भी क्रिस्टल के अंदर लोकेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि 1 बार 1 0 लीजिए आप। सो अगली डायरेक्शन, इफ आई एम कंसीडरिंग 1 बार 1 0, ये आपको कहा जाए, प्रॉब्लम फिर वही है कि ओरिजिन कहाँ माना जाए। मैंने आपको समझा दिया कि ओरिजिन इस तरीके से मानिए कि हमें जिस भी चीज़ को लोकेट करना है, चाहे वो डायरेक्शन है, पॉइंट है, कुछ भी है, वो यूनिट सेल के अंदर रहे। तो देखिए x का -1 मेरे अंदर होना चाहिए यूनिट सेल के, इसका मतलब मुझे ओरिजिन यहाँ मानना है। तो ये मेरा हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। x में मुझे चलना है -1, यहाँ से मैं चलूँगी x में -1, यहाँ पहुँची। y में मुझे चलना है 1, y में पहुंची मैं यहाँ पे, z0, z में मुझे चलना ही नहीं है, तो दिस इज माई फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट। और इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन के साथ ज्वाइन करवा दिया, एक लाइन लगा दी एंड दिस लाइन इज 1 बार 1 0 डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप डायरेक्शंस को, आप चाहें तो इस लाइन को आगे भी एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई हमारे पास, 1 बार 1 1 डायरेक्शन। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि 1 1 बार 1 को आप ड्रॉ कीजिए, 1 1 बार 1, फिर से वही क्यूब, फिर वही बातें, फिर वही कहानी हमें दोहरानी है, लेकिन अब एक्स वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो मुझे ओरिजिन ऐसा चूज करना होगा कि मेरा नेगेटिव एक्सिस यूनिट सेल के अंदर आए। तो देखिए यूनिट सेल, ये वाई एक्सिस है, ये वाई है, इसको नेगेटिव मानूंगी तो ये अंदर आएगा, और नेगेटिव तब मानूंगी जब ओरिजिन ऊपर जाएगा, तो ओरिजिन मैं तो या तो यहाँ मानूं या मैं यहाँ मानूं, और उसमें मुझे एक्स और जेड में मुझे कितना चलना है, 1 चलना है। तो अगर मैं अपने ओरिजिन को यहाँ मान लेती हूँ, सो दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, तो एक्स में मुझे चलना है 1। देखिए अब यहाँ पर एक्स में 1 आगे तो है नहीं, इधर तो और यूनिट सेल तो इधर पीछे रह गई है, इसका मतलब आपने गलत लोकेट किया इसको, इसीलिए मैंने यहाँ लगाया था ताकि आपको समझ आए कि हमें ओरिजिन कहाँ चूज करना है। इसका मतलब ओरिजिन मुझे इस साइड ना लेके यहाँ पर मानना पड़ेगा। अब देखिए एक्स में 1 चलूँगी तो यूनिट सेल के अंदर अंदर यहाँ पहुँच जाऊँगी, और वाई में नेगेटिव मुझे चलना है, दिस वन विल बी वाई, दिस वन विल बी जेड। अब हमारा काम बन गया, एक्स में 1, एक्स में हम चले 1, y में -1, y में हम चले -1 नीचे, z में हमें चलना है 1, z में हमें चलना है 1, सो दिस वन विल बी द पॉइंट, एंड ये जो डायरेक्शन ड्रॉ हो गई है, दिस इज 1 1 बार 1, एंड दिस इज द वे हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज द वे हाउ टू ड्रॉ मिलर डायरेक्शंस, वीएस डायरेक्शंस। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं प्लेन्स की तरफ। आप लोगों से कई बार 2 अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर एंगल्स पूछ लिए जाते हैं, तो उन एंगल्स को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, जो स्टूडेंट्स IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं उनके काम आने वाला है ये
ग्रेजुएशन में सिंपली तो शायद ही आप यूज़ कर पाएं। अभी एक फैमिली और डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ध्यान से अपने दिमाग में रखिए। अभी जैसे मैंने कहा, देखिए 100 ले लूँ मैं, 010 ले लूँ, 001 मैं कंसीडर कर लूँ, या इसके अलावा और ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं कहूँ कि आई एम टेकिंग 001 bar, ये भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। या मैं कहूँ कि 01 bar 0, या मैं कहूँ 1 bar 00, इन सारी डायरेक्शंस की जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है वो स्पेसिंग रहती है सेम। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ये इसकी फैमिली है, किसको किसकी फैमिली मानना है, अब ये मैं आपको समझाऊँ कि ये जो सारे हैं, दिस इज़ अ वन फैमिली। क्यों ये वन फैमिली है? क्योंकि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सब में क्या चीज़ आ रही है कि जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग आ रही है, दैट इज़ द सेम। और अगर ये सेम है तो ये सारे एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको चाहे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, चाहे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, चाहे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, एनी ऑफ दीज फॉर्म्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब हो गया एक फैमिली, और ये जो सिंगल सिंगल हमने कहा, ये एक सिंगल डायरेक्शन है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जो ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स हैं वो सेट ऑफ डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं एक सिंगल डायरेक्शन को। अब समटाइम्स एग्जामिनेशन में आपको एंगल पूछ लिया जाता है, दो डायरेक्शंस दे देते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया है यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन, कैलकुलेट द एंगल, एंगल बिटवीन, मान लीजिए आपको कोई भी दो डायरेक्शंस दे दी गई हैं, सपोज 100 and 111, ये डायरेक्शंस हैं, आपको कहा गया कि एंगल निकालिए। अब मैं आपको बताऊं, हमें पता है कि किसी भी इसका सॉल्यूशन देखिए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, यू वी डब्ल्यू ये डायरेक्शन है, यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश ये डायरेक्शन है। तो आप जनरल फॉर्मूला लिखिए एंगल बिटवीन दीज निकालने का, कॉस ऑफ थीटा, ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, यू यू डैश प्लस वी यू यू, देखिए यस यू नॉट मी, यू यू, यू यू डैश वी वी डैश डब्ल्यू डब्ल्यू डैश डिवाइडेड बाय, इट विल बी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एंड इट्स रूट एंड मल्टीप्लाइड बाय यू डैश स्क्वायर वी डैश स्क्वायर डब्ल्यू डैश स्क्वायर रूट। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट करवा के किसी भी पैरामीटर के लिए, किन्हीं भी दो डायरेक्शंस के बीच का एंगल जो है वो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए इन्हीं दो का करना है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करवाइए, कॉस थीटा इज इक्वल टू यू मीन्स वन, यू डैश मतलब वन, प्लस वी मीन्स जीरो, वी डैश मतलब वन, तो ये हो गया जीरो, प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू डैश ये हो गया जीरो डिवाइडेड बाई रूट, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, वन स्क्वायर जीरो स्क्वायर जीरो स्क्वायर ये हो गया वन, रूट यू डैश स्क्वायर वी डैश स्क्वायर डब्ल्यू डैश स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, मतलब ये हो गया रूट थ्री, तो ये आ जाएगा थ्री, तो वन अपॉन रूट थ्री कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाय रूट थ्री। तो आप इस तरीके से एंगल्स की मेजरमेंट्स बड़े आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या है कहानी में, आगे क्या मोड़ आने वाला है, अब हमें बात करनी है प्लेन्स की। हाँ, एक चीज़ और है, समटाइम्स आपको डायग्राम गिवन होती है और आपको ये कहा जाता है लोकेट द डायरेक्शन। मान लीजिए मैंने आपको कोई भी एक यूनिट सेल ड्रॉ करके दे दी है, लाइक दिस, दिस इज अ यूनिट सेल, और यहाँ पर मैंने आपको एक्स वाई जेड ड्रॉ कर दिए हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज माय ओरिजिन। और मैं आपको कहूँ कि इस डायरेक्शन को मुझे बताइए, यहाँ पर सपोज आप एरो मानिए कि लोकेट दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या है। अब आपको क्या करना है, वही ओरिजिन से स्टार्ट होना है, एक्स वाई जेड तक घूमते घूमते हमें कहाँ पहुँचना है, इस पॉइंट तक पहुँचना है, इस पॉइंट तक जितने हम कोऑर्डिनेट्स स्वीप आउट करेंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस डायरेक्शन। अब देखिए क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये इस प्लेन में से जा रही है, विच इज वाई जेड प्लेन, एक्स एक्सिस की तरफ तो मुझे मूवमेंट करनी ही नहीं पड़ेगी, सो एक्स का कोऑर्डिनेट सीधा सीधा कितना हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए वाई के अलॉन्ग अगर मैं ऊपर जाऊंगी तो मैं यहां तक कैसे आऊंगी, यहां तक हाफ तक मुझे आना है, इसका मतलब मैं यहां तक गई हाफ तक, वाई के अलॉन्ग मैं हाफ चली, फिर मुझे जेड के अलॉन्ग पूरा चलना है, सो वन बाय टू वन,
और उसके बाद क्योंकि डायरेक्शंस में अभी मैंने आपको कहा कि आप लोग उसको फिर जैसे हमने टू बाहर निकाला था तो अंदर एक रैशनल नंबर आ गया था, तो आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दीजिए। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई। सो 0, 1, 2 ये डायरेक्शन ये वाली है, दिस इज 0, 1, 2। सो इन दिस वे यू कैन लोकेट एनी डायरेक्शन इन क्रिस्टल। उसके बाद अगली जो बात है वो प्लेन्स की है कि हमें प्लेन्स को किस तरीके से लोकेट करना है, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर डायरेक्शंस डिस्कस हो गई हैं, पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं टू लोकेट एनी प्लेन, अब प्लेन के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि हमें 1817 से लेके 1839 तक की कहानी को आगे बढ़ाना है, वहाँ तक की स्टोरी को हमें डिस्कस करना है, तो 1817 के अंदर वीएस इंडिसेस आए, वीएस पैरामीटर्स आए। अब देखिए जो वीएस इंडिसेस थे, वीएस इंडिसेस जिसको लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस भी कहा जाता है, ये किसके इक्वल होता है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको समझाऊंगी, यूनिट लेंथ ऑफ द सेम एक्सिस, यूनिट लेंथ ऑफ द सेम एक्सिस। बड़ा आसान है वीएस इंडिसेस लेना। अभी जैसे हमने क्यूब के अंदर लिया, हम एक यूनिट सेल को मानकर चल रहे थे, इसी तरीके से मैं एक यूनिट प्लेन मान लूं। अभी मैंने कहा कि ये देखिए ये हमारे पास क्या है, एक लैटिस है, इस लैटिस के अंदर इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन माना, इस तरीके से मैं थोड़ा नीचे इस साइड ड्रॉ कर दूं ताकि क्लियर हो जाए सबको। सपोज ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, पॉइंट्स सारे इस लैटिस के अंदर अलग 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 पॉइंट्स हैं। यहाँ कहीं पर मेरा यूनिट जो है लेंथ एक्सिस की वो ए आ रही है, यहाँ कहीं पर यूनिट लेंथ बी आ रही है और यहाँ कहीं पर यूनिट लेंथ सी आ रही है, और अगर इन ए बी सी को मैं आपस में ज्वाइन करवाऊँ देन आई गेट अ यूनिट प्लेन, तब मुझे क्या मिलता है, एक यूनिट प्लेन मिलता है। अब मुझे अगले प्लेन पर जाना है, ये वीएस की कहानी की बात कर रहे हैं हम, अगर अब मुझे अगले प्लेन पर जाना है तो कहीं पर भी मान लीजिए ये कोई प्लेन है कुछ इस तरीके से, अगले प्लेन पर हम पहुंचे तो इस पॉइंट तक आने के लिए ये ए, यहाँ पर ये है 2A, 3A, 4A, 6A, कुछ ना कुछ तो मुझे जंप करना ही पड़ेगा। मान लीजिए मैंने इसको कहा एम इंटू ए, यहाँ तक का जो इंटरसेप्ट है वो ए का एम टाइम्स हुआ, और इसी तरीके से यहाँ पर हो गया सपोज एन इंटू बी, इसी तरीके से ये हो गया एल इंटू सी। मीन्स ये जो ए बी सी, ए बी सी जो हमारा है ये है एक यूनिट प्लेन जिसके इंटरसेप्ट्स ए बी और सी हैं। अभी आप कॉमर्स मत लगाइए। उसके बाद अगले मैं अगले प्लेन की बात करूं, ए डैश बी डैश और सी डैश। सो ए डैश बी डैश सी डैश इज अ जनरल प्लेन जिसके इंटरसेप्ट्स क्या हैं, एम ए एन बी, एक बार मैं कॉमर्स लगा देती हूँ, एल सी, यानी कि ए बी सी यूनिट प्लेन से ए डैश बी डैश सी डैश यूनिट प्लेन तक जाने के लिए मुझे एक्स एक्सिस में एम, वाई में एन और जेड में एल टाइम्स जंप करना पड़ा, किसको, यूनिट वेक्टर को, बेसिक वेक्टर्स को या फंडामेंटल वेक्टर को। तो ये जो एम एन और एल हैं, दिस एम एन एंड एल ये क्या कहे जाएंगे, वीएस इंडेसिस। देखिए कितना आसान है, सिंपली इंटरसेप्ट्स मल्टीप्लायर जो हैं दीज आर वीएस इंडिसेस। अब वीएस इंडिसेस ये डेफिनेशन कैसे बनेगी भला, तो देखिए ये जो है एम ए एन बी एल सी, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या है एम ए डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ क्या है ए, इससे इसे कटा तो आपको क्या मिला एम, इसी तरीके से इंटरसेप्ट यानी कि एन बी यूनिट लेंथ यानी कि बी, बी से बी कटा आपको मिला एन, इंटरसेप्ट पूरा का पूरा एल सी यूनिट लेंथ एल, सॉरी सी, सी से सी कटा आपको मिला एल। तो एम एन एल हो गए वीएस इंडिसेस, और वीएस इंडिसेस की डेफिनेशन क्या हो गई, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ। तो बड़ा आसान था वीएस के केस में। अब प्रॉब्लम कहाँ आई, बड़े आराम से हम लोग वीएस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस कर रहे थे, क्रिस्टलोग्राफी बड़ी स्मूथली चल रही थी, फिर ट्विस्ट आया कहानी में, क्योंकि कोई भी स्टोरी कोई भी मूवी स्मूथली नहीं चलती है जब तक उसमें विलन ना आ जाए। तो इसमें विलन क्या आया,
वो था कि जब आपके इंटरसेप्ट बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, देन व्हाट विल यू डू। मान लीजिए कि ये मैं कहूँ कि मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अगर मैंने कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, मान लीजिए ये कोई एक डायरेक्शन है या कोई एक प्लेन है, अभी एक्स एक्सिस को तो कहीं पर भी नहीं कट कर रहा। इसका मतलब इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस एक्सिस इज इन्फिनिटी। अब एक्स इंटरसेप्ट इन्फिनिटी हो गया। अब क्योंकि इसका इंटरसेप्ट जो है वो इनफाइनाइट हो गया है, तो मैं कहूँगी इन सच केसेस वी विल हैव टू यूज अ न्यू मेथड, बिकॉज दिस वीएस इंडिसेस मेथड विल बी फेल्ड। क्योंकि इंटरसेप्ट इनफाइनाइट हो गया, अब मैं कैसे इन्फिनिटी को ड्रॉ करूँगी भाई। मैथमेटिक्स के अंदर अगर कहीं पर कुछ इन्फाइनाइट बन जाता है, देन इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस ना। तो ये जो छोटा यूनिट प्लेन था, स्मॉलेस्ट प्लेन था, उसके टर्म्स में हमने कैलकुलेशन कर ली। लेकिन जब ये इंटरसेप्ट्स इन्फिनिटी बनने शुरू हो जाते हैं, या मैं कहूँ कि टर्म्स बहुत बड़ी शुरू होनी शुरू हो जाती हैं, तब आग में कूदे मिलर महाशय। उन्होंने कहा कि जो ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में आप वीएस इंडिसेस लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपके इंटरसेप्ट्स बड़े हो जाते हैं, तब उनको यूनिट सेल, एक ही यूनिट सेल में कॉम्पैक्ट करने के लिए आप उनका रेसिप्रोकल ले लीजिए। उनका रेसिप्रोकल लेके उनको इंटीजर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, एंड यू विल गेट मिलर इंडिसेस। तो जो अगली कहानी है वो है मिलर इंडिसेस की। तो मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन तब आए जब वीएस महाशय के कॉन्सेप्ट्स फेल होने शुरू हो गए। आपको एग्जामिनेशन में मिलर इंडिसेस केमिस्ट्री और फिजिक्स ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। सो ब्रिटिश क्रिस्टलोग्राफर थे बेसिकली, या मैं कहूँ कि मिनरोलॉजिस्ट थे, विलियम हैलोज मिलर, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया। तो मैं बोलती जाऊँगी, आप लोग नोट कर लीजिए। बेसिकली मिलर इंडिसेस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स एक्सप्रेस्ड एज रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय द क्रिस्टल प्लेन्स ऑन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस When reduced to smallest integers, अभी मैंने जो बोला आपको ये डेफिनेशन एग्जामिनेशन में लिखनी होती है, बहुत आसान है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखिए मिलर इंडिसेस क्या, एक सेट है इंटीजर्स का, ग्रुप का सेट है, और सबसे छोटा सेट है रेसिप्रोकल। और हमने उसको बनाया कैसे, कैसे लिया, हमने इंटरसेप्ट्स का रेसिप्रोकल किया और उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो प्रॉब्लम वीएस के अंदर आई वो हमने यहाँ पर रिमूव कर ली। सो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टल डिपेंड ऑन डिफरेंट डायरेक्शंस इन क्रिस्टल्स एंड डिफरेंट प्लेन्स इन द क्रिस्टल, एंड इट बिकम्स ईजी एंड इट बिकम्स मैंडेटरी इन अ क्रिस्टल टू लोकेट पर्टिकुलर प्लेन एंड डायरेक्शन। एंड प्लेन्स कैन बी चूजन एनी वेयर, रैंडमली वी कैन चूज प्लेन्स, एंड एनी प्लेन पासिंग थ्रू द लैटिस पॉइंट are termed as lattice planes. जो lattice points के अंदर से pass हो रहे हैं planes, उन planes को हम क्या बोलते हैं, we call them lattice planes. And each set of plane has a particular orientation with reference to axis of the unit cell. कि unit cell के axis के साथ एक plane की हमेशा एक particular orientation होती है। Therefore, Miller designed a system of these indices to represent such set of planes or family of planes within the crystal, which after his name was termed as Miller indices. तो अब हम चलते हैं इसके rules की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगी rules. Rules या procedure to find Miller indices. कि Miller indices को find करने का क्या रूल है। कोई इतना लंबा चौड़ा रूल नहीं है, कोई इतनी कहानी नहीं है, आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान है। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने प्लेन को ध्यान से देखना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक गिवन प्लेन है जो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, और मुझे पता है कि यहाँ पर मेरी कहीं यूनिट लेंथ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कुछ है ऐसा। तो अब मानिए, जैसे मैंने अभी कहा था एम ए एन बी एल सी, इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको कहूँ, वो मिलर वी एस के केस में था कि यहाँ पर आपको एन वन टाइम्स ए क्रॉस करना पड़ा, इधर आपको एन टू टाइम्स बी एंड इधर एन थ्री टाइम्स सी। या मैं कहूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ दैट प्लेन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। रूल्स में नंबर वन मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिए, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन प्लेन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स इंटरसेप्ट जो है वो एन वन ए है फॉर दिस डायग्राम, वाई इंटरसेप्ट एन टू बी है, एंड जेड इंटरसेप्ट एन थ्री सी है इन दिस गिवन डायग्राम। तो सबसे पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल पैरामीटर्स को उठाना है, मतलब कितने टाइम्स यूनिट जो वेक्टर आप जंप किए अलोंग एक्स, अलोंग वाई एंड अलोंग जेड। सो यू विल राइट ओनली न्यूमेरिकल पैरामीटर्स एन वन,
एन टू एंड एन थ्री, यहाँ तक हमें पता है कि वी एस इंडिसेज होते थे, लेकिन मिलर ने कहानी इससे आगे बढ़ाई, क्योंकि जब टर्म्स बहुत बड़ी हैं उनको छोटा करने के लिए आप उनको उल्टा दीजिए, उनका उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए. सो अब हमें क्या करना है, इनके रेसिप्रोकल लेने हैं. सो वन बाय एन वन, वन बाय एन टू, वन बाय एन थ्री, ये रैशनल इरेशनल हो सकते हैं, तो हमें क्या करना है, इनको कन्वर्ट दैम इन इंटीजर्स. नाउ अगले स्टेप में कन्वर्ट दैम इन इंटीजर्स एंड एनक्लोज इन पैरेंथेसिस. सो हमारे पास सपोज 1 बाय एन वन इंटीजर बनने के बाद h बन गया, 1 बाय एन टू इंटीजर बनने के बाद k बन गया, और 1 बाय एन थ्री इंटीजर बनने के बाद l बन गया, तो h k l विदाउट कोमास. तो ये h k l ये हमारे पास क्या आ गए हैं, मिलर इंडेसेस. मुझे पता है जब मैं एग्जाम्पल दूंगी तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी, इसके बाद ही इसकी क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की. इससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो समझा दूँ, तो चलिए पहले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं. सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. मान लीजिए कि मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक प्लेन है, उस प्लेन के इंटरसेप्ट्स 3a, 2b एंड 2c, ये मेरे पास एक प्लेन है. तो मैंने आपको सबसे पहले कहा राइट द इंटरसेप्ट्स 3a, 2b एंड 2c, ये हमारे पास क्या हो गए, इंटरसेप्ट्स. फिर उसके बाद हमने कहा कि न्यूमेरिक फिगर्स को अलग कीजिए, 3, 2, 2. अगर ये इंटीजर्स हैं तो इनको एज सच छोड़ दीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन हमें मिलर ने क्या कहा कि ये टर्म्स बड़ी हैं, क्योंकि वी एस इंडिसेस के केस में तो आपको यही ऐसे ही चलना होता था. अब हमें क्या करना है कि इसका करना है रेसिप्रोकल. अब जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स होती हैं, रेसिप्रोकल करने पे ही 1/3, 1/2, 1/2. अब हमें इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है. आप कहेंगे कि इंटीजर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तो कौन सी बला आ गई. तो बड़ा आसान तरीका है, आप एलसीएम लीजिए, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, तो आप इसको थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई करवाइए, तो हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी 2, 3, 3, एंड दिस विल बी अ सेट ऑफ मिलर इंडिसेस. अब मिलर इंडिसेस एक प्लेन के मिलर इंडिसेस हैं 2, 3 एंड 3, ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया, आपको कॉमास नहीं लगाने हैं. नाउ आई टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. मैं फिर से कहूँगी कि मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग लिखते जाइए, क्योंकि अगर मैं लिखने लगूंगी इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. तो मेरा मकसद आपको समझाना है चीज़ों को, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करवाना नहीं है. सो इम्पॉर्टेंट फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलर इंडिसेस, फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलर इंडिसेस मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए. अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है तो वीडियो की स्पीड को स्लो कर लीजिए. तो जो मैं कहूँ कि की है, रिमोट आपके हाथों में है. सो मिलर इंडिसेस रिप्रेजेंट इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेन्स हैविंग सेम इंडेक्स. आई एम अगेन सेइंग, मिलर इंडिसेस रिप्रेजेंट इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेन्स having same index number. Same index number वाले planes क्या हैं, Miller indices हैं. For example, 1, 1, 1 is equal to 2, 2, 2 is equal to 3, 3, 3, ये सब parallel planes हैं. जैसे मान लीजिए एक रूम है, इस रूम के अंदर ये दीवार है, ये दीवार है, ये दोनों दीवारें एक दूसरे के पैरेलल है. अगर आपका ओरिजिन यहाँ है, ये इसका कोऑर्डिनेट 1 है, इसका 2, इसका 3, इसका 4 अगली, तो ये सारी दीवारें आपस में पैरेलल हैं. मिलर ने इन सबको एक फैमिली माना, उसने कहा कि आप इन इसको एक फैमिली मान के काम कीजिए और आपका काम आसान हो जाएगा. और अगली जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ द रेशो ऑफ इंडिसेस इज इम्पॉर्टेंट ओनली. मैं कहूँ कि सिर्फ इंडिसेस की रेशो ही इम्पॉर्टेंट होती है, एज सच इंडेक्स इम्पॉर्टेंट नहीं होता. सो ओनली रेशो ऑफ इंडिसेस इज इम्पॉर्टेंट. मीन्स अभी हमने सिर्फ नंबर्स कंसीडर किए, जो अभी हमारे पास आए थे 2, 3, 3, 2 मिनट पहले यहाँ पर 3, 2, 2 जो आए थे, दोज वर इन रेशो. एक्चुअल वैल्यू कितनी है, वी डोंट बॉदर अबाउट दैट. 3, 3, 3, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 5, ये सब एक फैमिली है, जबकि हमें पता है कि सबके इंटरसेप्ट्स अलग अलग हैं. हमारे लिए सिर्फ रेशो मैटर करती है, और रेशो सबकी 1, 1, 1, 1 है. तो दिस ओनली मैटर्स हेयर.
अगर मैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो मिलर इंडेसेस डू नॉट डिफाइन अ पर्टिकुलर प्लेन बट अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन। मैं फिर से कहूं कि मिलर ने फैमिली की बात की, उसने कहा कि जुड़ के रहो, अकेले अकेले प्लेन का कुछ नहीं बनने वाला। सो उसने एक फैमिली की बात की, फैमिली के डायरेक्शंस की बात की। मैं फिर से कहूंगी कि मिलर इंडेसेस डू नॉट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर प्लेन, एक पर्टिकुलर प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करते, बट दे रिप्रेजेंट द होल फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं कहूं कि कोई प्लेन अगर ओरिजिन में से पास हो जाता है, इफ अ प्लेन पासेस टू ओरिजिन देन मिलर इंडेसेस आर डिफाइंड फॉर अनदर प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू दिस प्लेन बट मेकिंग नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स बिकॉज ऑल द पैरेलल प्लेन्स रिप्रेजेंट अ फैमिली। कहने का क्या मतलब है, मिलर ने कहा कि अगर आपका प्लेन ओरिजिन में से पास हो रहा है तो आप उसके इंडेक्स नहीं लिखेंगे। इट विल बी, क्योंकि ओरिजिन मतलब 000 और 000 की कहानी तो वीएस करके आ चुके हैं, मिलर ने नहीं कही ऐसी बात। तो उन्होंने कहा कि बट हमें पता है, अब प्रॉब्लम तो खड़ी हो गई, मुझे तो आपको कहूंगी कि मैं तो कहूंगी कि चलो जी ड्रॉ करो इसके, लेकिन प्लेन पास हो रहा है ओरिजिन में से, तो आपके पास एक सोल्यूशन है क्योंकि मिलर ने यह कहा कि प्लेन्स पैरेलल वाले एक फैमिली हैं। अब कोई प्लेन ओरिजिन में से पास हो रहा है उसके लिए आप मिलर इंडेसेस फाइंड आउट कर नहीं सकते, आप उसके पैरेलल दूसरा प्लेन लीजिए जिसके इंटरसेप्ट्स नॉन जीरो हो, उसके लिए अपना काम कीजिए, और दोनों एक फैमिली हैं तो जो इसके लिए किया वही इसके लिए हो जाएगा। सो लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई प्लेन ओरिजिन में से पास हो रहा है तो उसके मिलर इंडेसेस नहीं लिखे जा सकते। सो मैं कहूँ कि अगर कोई प्लेन ओरिजिन में है तो आप उसके मिलर इंडेसेस को काउंट नहीं करेंगे, उसके पैरेलल वाले प्लेन को कंसिडर करेंगे। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी फिफ्थ वन इज डबल डिजिट्स ऑफ मिलर इंडेसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कोमास, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कोमास नहीं लगाने आपने, लेकिन मान लीजिए कि 2, 4, 5 ऐसे है, दिस इज अ प्लेन। अब आपको क्या पता कि ये 21 है, 14 है कि 45 है, इंटरसेप्ट कौन से प्लेन का कौन सा है, तब आपको कोमा लगा के रिप्रेजेंट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि दो डिजिट इकट्ठे वाले कौन से हैं। सो आई एम अगेन सेइंग डबल डिजिट मिलर इंडेसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कोमास। तो ये हो गई फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक। सिक्स्थ वन इज इफ अ प्लेन इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस देन इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन आर इन्फिनिटी, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर कोई प्लेन कोई लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल जा रही है। देखिए ये एक यूनिट सेल है, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। अब ये जो ऐसे ये दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये जो लाइन इसके पैरेलल जा रही है, ये जो प्लेन है इसके पैरेलल जा रहा है, इस प्लेन के इंटरसेप्ट इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी, और इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, जीरो। सो अ प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस विल हैव इंटरसेप्ट इन्फिनिटी एंड इंडेक्स विल बी जीरो। एंड नेक्स्ट वन इज ये सिक्स थी। सेवन्थ प्रॉपर्टी इज इन क्यूबिक क्रिस्टल्स द डायरेक्शन एच के एल इज परपेंडिकुलर टू एच के एल प्लेन बट दिस इज नॉट ट्रू इन अदर क्रिस्टल सिस्टम्स। क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर एच के एल डायरेक्शन एच के एल प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इसका हम प्रूफ भी करेंगे अपने अगले लेक्चर्स के अंदर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल्स के लिए ट्रू होता है और किसी के लिए ट्रू नहीं होता है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ यूजेस की, कि जो मिलर इंडेसेस हैं इनके यूजेस क्या रहेंगे, व्हाट आर द यूजेस, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं। सो यूजेस के अंदर अगर हम बात करें, मैं फिर कहूँगी कि आप लोग लिखते चले जाइए, वी वांट टू नो द डिसलोकेशंस इन अ क्रिस्टल, क्रिस्टल्स के अंदर डिफेक्ट्स हैं या कुछ भी है तो आपको उनको लोकेट करना है, तो आप बड़े आराम से मिलर इंडेसेस की बात कर सकते हैं। एंड यू वांट टू नो द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टल, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिसलोकेशंस जो हैं क्रिस्टल के अंदर, डिफेक्ट्स जो हैं उनको स्टडी करना है। डिसलोकेशंस इन अ क्रिस्टल, उसके लिए क्या स्टडी किया जाता है, मिलर इंडेसेस। एंड उसके बाद मैं कहूँ कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ लैटिस, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टल, उसके लिए हम किसको स्टडी करते हैं, मिलर इंडेसेस को स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसके इनके अलावा एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन, रिएक्टिविटी, इन सब की हमें बात करनी है, अगर एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, रिएक्टिविटी, इन सब की स्टडी करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मिलर इंडेसेस की। और सरफेस टेंशन जो कि प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की सरफेस की, उसको पता करने के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है मिलर इंडेसेस की। तो ये कहानी थी मिलर इंडेसेस को अंडरस्टैंड करने की। तो चलिए देखते हैं कि इन प्लेन्स को अब ड्रॉ कैसे किया जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको किसी प्लेन के मिलर इंडेसेस दे दिए एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू ड्रॉ दिस प्लेन। तो उसके लिए अब देखिए हमें क्या करना है, बड़ा ही आसान तरीका है। सपोज आई एम गोइंग टू से यू ड्रॉ 100 प्लेन, तो ध्यान रखिएगा जब ये ब्रैकेट आ जाती है तो एक प्लेन है, और जब ये ब्रैकेट आ जाती है तो फैमिली ऑफ प्लेन्स की बात हो रही है।
तो 100 को ड्रॉ करना है. आप सबसे पहले अपना क्यूब ड्रॉ कर लीजिए. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्यूबिक लैटिस. तो ये मेरा लैटिस हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस. ये वही एक्स वाई जेड कहाँ यूज़ करने हैं, नेगेटिव में प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये मिलर इंडिसेस हैं और मिलर इंडिसेस हमें पता है रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स होते हैं. तो प्लेन को ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए. 1/1 आपको इसका रेसिप्रोकल करना है 1/0 और 1/0. तो ये आ जाएगा 1 ∞ ∞. ये हो गए हैं इंटरसेप्ट्स. अब इंटरसेप्ट्स देखिए, एक्स एक्सिस को काटना है 1 पे और y और z को काटना है इन्फिनिटी पे. कोई ऐसा प्लेन जो y को इन्फिनिटी पे काटे और z को भी इन्फिनिटी पे काटे, लेकिन x को काटे कहाँ पे, 1 पे. तो देखिए, जो y को इन्फिनिटी मतलब पैरेलल टू y, ये लाइन हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन x को 1 पे ही काटे. तो ये प्लेन हो सकता है जो x को तो 1 पे काट रहा है लेकिन y के पैरेलल है और z के भी पैरेलल ही रहे. तो देखिए, ये और ये दोनों लाइन z के पैरेलल हैं. तो ये वाला जो प्लेन हो जाएगा, दिस विल बी 100 प्लेन. पैरेलल देखने का तरीका आपको पता ही है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि देखिए, कुछ इस तरीके का प्लेन अगर मेरे पास है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, और अगर मेरे पास वाई एक्सिस है तो उसके भी पैरेलल है, और अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है तो ये 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 और ये, दिस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर इधर जेड है तो ये जो ऐसे इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, दीज आर, ये किसके पैरेलल हो जाएंगे, Z के पैरेलल. तो इस तरीके से प्लेन को ड्रॉ करना आसान रहता है. ये हो गया प्लेन 100. अगर मैं आपको कहूँ कि 010 इस प्लेन को ड्रॉ कीजिए, तो अगेन उसी तरीके से एक क्यूबिक यूनिट सेल हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो क्यूबिक यूनिट सेल उसी तरीके से X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस. पहले हमें क्या लेने हैं, इंटरसेप्ट्स. सो इंटरसेप्ट्स लेने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, रेसिप्रोकल कीजिए. रेसिप्रोकल करके इंटरसेप्ट्स आए इन्फिनिटी, 1 ∞. ये इंटरसेप्ट्स हैं. एक्स एक्सिस को इन्फिनिटी पे काटना है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब पैरेलल टू एक्सिस ये लाइन हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है और ये हो सकती है. अब जेड के भी, जेड को भी उस पे काटे इन्फिनिटी पे, तो इसके भी पैरेलल ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है. इसका मतलब दिस वन और दिस वन, ये दो प्लेन बचे मेरे पास. लेकिन वाई को काटे 1 पे, तो y को इस और इस प्लेन में से देखा जाए तो ये प्लेन y को 1 पे काट रहा है. सो दिस वन इज 010 प्लेन. ये हो गया. अब मैं आपको कहूँ कि 001 प्लेन ड्रॉ कीजिए. 001, फिर से उसी तरीके से मुझे एक क्यूब ड्रॉ करना है. धीरे धीरे क्यूब ड्रॉ करना है, टॉपिक को धीरे धीरे समझना है. तो देखिए, इसके रेसिप्रोकल 1/0 1/0 1/1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1, मतलब एक्स को इन्फिनिटी पे काटे, मीन्स एक्स के पैरेलल हो, एक्स वाई जेड, एक्स के पैरेलल ये 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 और ये, ये चार हैं. वाई के भी पैरेलल हो, ये 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 ये, ये चार हैं. अब जेड को काटे 1 पे. Z को 1 पे काटने वाला जो प्लेन है वो कौन सा है, Z, यहाँ से मैं चली यहाँ पर, Z को यहाँ पर काटे X के पैरेलल, Y के पैरेलल. तो ये वाला जो प्लेन है फ्रंट वाला, दिस वन विल बी 001 प्लेन. तो इसी तरीके से आप और भी प्लेन्स ड्रॉ कर सकते हैं. मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि 110 इस प्लेन को आप ड्रॉ कीजिए. तो देखिए, अब अगेन वही मुझे एक क्यूब ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. 110 मैंने कहा पहले इंटरसेप्ट लीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए 1/0. तो क्या आया, 1 ∞. एक्स को काटना है 1 पे, वाई को काटना है 1 पे, मतलब ये दो पॉइंट्स तो मुझे मिल गए. और जेड को इन्फिनिटी, मतलब जो मेरा प्लेन है वो जेड के पैरेलल होना चाहिए. अब जेड ये तो खुद एक्सिस ही है, इसके अलावा पैरेलल लाइंस कौन सी बनी, दिस वन एंड दिस वन. तो ध्यान से देखिए, ये वाली जेड के पैरेलल है, ये भी जेड के पैरेलल है, और ये एक्स को भी कट कर रही है, वाई को भी कट कर रही है. मुझे यही चाहिए, क्योंकि ये वाली जो है ये एक्स वाई को नहीं कट कर रही. तो ये जो प्लेन हो जाएगा, दिस वन विल बी 110 प्लेन. इस तरीके से आप बड़े आराम से प्लेन्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं. अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अगला प्लेन जो ड्रॉ करना है वो है 111, फिर से आप एक क्यूब लीजिए. तो इस क्यूब के अंदर
रेसिप्रोकल, वन बाय वन, एक्स को काटना है वन पे, वाई को काटना है वन पे, जेड को काटना है वन पे, इन तीनों को मिला दीजिए. सो दिस वन विल बी द प्लेन विच इज 1, 1, 1. तो ये 1, 1, 1, 1 भी ड्रॉ हो गया. अब अगर मैं आपको कहूँ कि 2, 0, 0 प्लेन ड्रॉ कीजिए, इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ 2, 0, 0, मैंने आपको पीछे भी समझाया डायरेक्शंस ड्रॉ करते हुए भी कि जब ऐसे डिजिट्स आ जाएं ग्रेटर देन वन, तो हमारे लिए अंदर हमें वन चाहिए. मिलर ने तो वैसे ही काम आसान कर दिया कि रेसिप्रोकल लीजिए. तो आपको पहले करना है रेसिप्रोकल, 1 बाय 2, 1 बाय 0, 1 बाय 0, 1 बाय 2, इन्फिनिटी इन्फिनिटी. एक्स को काटना है हाफ पे, एक्स को काटना है हाफ पे, वाई के हो पैरलल, वाई के पैरलल इस तरीके से, जेड के हो पैरलल इस तरीके से. इसका मतलब जो प्लेन यहाँ मैं ड्रॉ करूँगी बिटवीन दिस वन, ये वाला क्या हो जाएगा 2, 0, 0. तब आपको समझ आ रहा है ये 1, 0, 0 था, ये 2, 0, 0. ऐसे पैरलल 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 प्लेन्स, फैमिली ऑफ पैरलल प्लेन्स मिल जाती है. तो इसी तरीके से अगर आपको 0, 2, 0 प्लेन बनाना है, अगर आपको बनाना है 0, 2, 0, 0, 2, 0 के लिए फिर से वही क्यूबिक यूनिट सेल मैंने ड्रॉ की, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1 बाय 2 इन्फिनिटी. एक्स को काटे इन्फिनिटी पे, ये वाली पैरेलल लाइंस, और वाई को काटे हाफ पे, यानी कि मुझे लाना है यहाँ पर, और जेड को भी ना काटे. तो इसका मतलब एक यहाँ पर ऐसे प्लेन ड्रॉ हो जाएगा. सो दिस वन इज 0, 2, 0 प्लेन. अब अगर मैं आपको कहूँ कि 0, 0, 1 बार ड्रॉ कीजिए, अब आप बताइए क्या करेंगे, फंस गए चंदू माजरा, 0, 0, 1 बार. अब देखिए क्या करना है, फिर से एक क्यूबिक यूनिट सेल मैंने ड्रॉ की, मैंने एक्स एक्सिस लिया. अभी एक्स वाई जेड नहीं लूँगे क्योंकि ओरिजिन की बात, जब भी नेगेटिव आ जाए आपको ओरिजिन देखना पड़ेगा कि वो नेगेटिव मेरा यूनिट सेल के अंदर आए. तो देखिए क्या है कि इंटरसेप्ट्स इन्फिनिटी इन्फिनिटी और माइनस वन. एक्स को इन्फिनिटी पे काटना है, वाई को इन्फिनिटी, प्रॉब्लम है जेड, जेड मुझे चाहिए माइनस वन. और अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन मानती हूँ तो ये जेड प्लस वन है, माइनस वन क्यूब की बैक साइड पीछे को चला जाएगा, मेरी यूनिट सेल से बाहर निकल जाएगा. तो अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मानूँ तो ये हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस और ये हो जाएगा नेगेटिव, ये यूनिट सेल के अंदर आ जाएगा. इसलिए मैं इस पॉइंट को मानूंगी ओरिजिन, दिस विल बी एक्स एक्सिस, दिस विल बी वाई एंड दिस विल बी जेड. तो एक्स को काटे इन्फिनिटी पे, दिस वन लाइक दिस, ये वाले, और वाई को भी काटे इन्फिनिटी पे, ये वाला. तो ये जो प्लेन है, और जेड को काटे माइनस वन, दिस वन. तो ये वाला प्लेन जो एक्स जेड को माइनस वन पे काट रहा है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल एक्स के, तो ये जो प्लेन आ रहा है ये पीछे वाला यहाँ वाला, दिस वन विल बी 0, 0, 1 बार प्लेन. सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ एनी ऑफ द प्लेन्स इन बाय नोइंग देयर वैल्यूज फॉर मिलर इंडेसेस. अब ग्रेजुएशन का स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इनके साथ इंटररिलेटेड आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि फाइंड द मिलर इंडेसेस ऑफ अ प्लेन विच हैज़ इंटरसेप्ट्स ए बी बाय 2 एंड 3c इन सिंपल क्यूबिक लैटिस. स्टेटमेंट मैंने बोली है, आप लोग नोट कर लीजिए. Find the Miller indices of a plane having intercepts A, B by 2 and 3C. ये कहा Miller indices find out करने हैं. सबसे पहले intercepts को लिखिए, A, B by 2, 3C. इनमें से numeric digits को छान कर filtration करके अलग निकाल लीजिए, 1, 1 by 2, 3. उसके बाद कीजिए इनका reciprocal. Reciprocal 1 by 1 हो गया 1. 1 by 2 का हो गया 2, ये हो गया 1 by 3. अब इनको कन्वर्ट कीजिए इंटीजर्स में बाय मल्टीप्लाइंग विद देयर LCM, और इनका LCM क्या आ जाएगा हमें पता है, 3. सो दिस विल बिकम 3, 6 and 1. सो ये हो गए इसके मिलर इंडेसेस. तो देखिए कितना आसान है मिलर इंडेसेस का कॉन्सेप्ट. अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोई और अलग तरीके से आ जाए, सपोज मैं आपको कहूँ तो स्टेटमेंट आप लिखिए, Determine the Miller indices of a plane that makes an intercepts of 2 angstrom, 3 angstrom and 4 angstrom and their coordinate axes of this orthorhombic crystal are in the ratio A ratio B ratio C
आर 4:3:2 स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, आप लोग नोट कर लीजिए, समटाइम्स ऐसे आ जाता है आपको एग्जामिनेशन में। तो अब देखिए कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं हमारी, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4। मीन्स जो n1a है वो 2 है, n2b है वो 3 है, n3c है वो 4 है। अब मुझे यहाँ से n1, n2, n3 की वैल्यूज चाहिए, तो n1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2/a, n2 हो जाएगा 3/b एंड n3 हो जाएगा 4/c, और abc 4:3:2 में है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करवाइए, n1 हो गया 2/4, n2 हो गया 3/3 एंड n3 हो गया 4/2। तो आपके पास न्यूमेरिक डिजिट्स आ गए हैं 1/2, 1 एंड 2, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हमें लेना है रेसिप्रोकल 2/1, 2/2। फिर हमें एलसीएम के साथ करना है मल्टीप्लाई, एलसीएम है 2, 2 के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आ जाएगा 4 एंड 2 एंड 1। तो ये 4, 2, 1 क्या हो गया, मिलर इंडेसिस HKL ऑफ दिस गिवन प्लेन। तो इस टाइप की छोटी छोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको एग्जामिनेशन में आ जाती हैं, और आई होप आप लोगों को प्लेन्स, डायरेक्शंस एंड पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, और अगर मुझे लगेगा, अगर आपको लगता है कि एक और लेक्चर लेकर आने की ज़रूरत है, कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करने की ज़रूरत है, देन आई विल ब्रिंग दैट। थैंक यू सो मच।